गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन स्वागत है आपका एड स्टडी एक्स पे तो जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं अपने सी के पेपर्स जो भी ट्वेंटी ट्वेंटी में हुए हैं ओह तो जीरो गायब कर दिया मैंने हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी में हुए हैं तो आज हम सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर शिफ्ट फर्स्ट हाँ शिफ्ट फर्स्ट ओके तो ज़्यादा टाइम अब नहीं वेस्ट करूँगा शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन हमारा यू कैन नॉट लेट अ हेल्दी लाइफ ऑल दो यू स्टॉप स्मोकिंग क्या बात है यानी कि आप सिगरेट पीना छोड़ भी देंगे तो भी आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती यानी कि आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो तो भी अब यहाँ पर आपने यूज़ किया है क्या ऑल दो कंजंक्शन वैसे तो मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है सबको समझ में आ ही गया होगा कि कितना अजीब सेंस दे रहा है फिर भी मैं आपको हम ट्रांसलेशन पर नहीं जाते हैं ज़्यादा जैसे कि हम पहले भी सॉल्व कर रहे हैं हमने क्वेश्चन तो हम ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ मेरा रीज़न कि ऑल क्यों नहीं आएगा ऑल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो भी है ना आपके दो टी एच ओ यू जी एच ऑल और आपका हाउ एवर इनको हम यूज़ करते हैं अपोजिट रीजन के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं अपोजिट रीज़न जब हमें अपोजिट रीजन देना होता है तब हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्पल से समझिएगा इसको हटा देते हैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको ऑल दो से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ऑल दो मैंने इतना लिख दिया आप समझ जाइएगा ऑल दो डॉक्टर साहब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ये डॉक्टर साहब हम हमेशा अपने सेंटेंस में डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब के रेफरेंस लेते हैं बकवास ख़त्म आगे बढ़ते हैं ऑल दो डॉक्टर साहब is rich is rich he will not give me salary salary यानी कि यद्यपि डॉक्टर साहब अमीर हैं परंतु मुझे सैलरी नहीं देंगे वो अमीर होने के बावजूद कंजूसियत की हद होती है ना तो यहाँ पे देखिए पकड़ने वाली चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब इज़ रिच यानी कि वो अमीर हैं ही विल नॉट गिव मी दैलरी ये चीज़ इसके अपोजिट जो हमारा रीजन है वो हमारे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो गया ना सॉरी अपोजिट हो गया ना तो हमने ऑल दो यूज़ कर लिया लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता ना ये यहाँ पर रीज़न अपोजिट नहीं है यानी कि अगर आप इस अगर आप स्मोकिंग बंद कर दोगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो यू मोड ऑफ अ कंडीशन हो गया कि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो बट उसकी कंडीशन ये है यू स्टॉप स्मोकिंग आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पर अनलेस यूज़ कर लीजिए तो भी सही हो जाएगा बट ऑल तो गलत है भाई आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अब इसमें मैं क्या ही बता दूं जो करेक्ट है वो आंसर ही है मोमेंट्री आप सभी ने लगा ही लिया होगा हाँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सॉल्व करके आए क्वेश्चन पेपर से पेपर ही सारे जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको तो अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहाँ से इन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए सॉल्व करके कर आइए उसके बाद हमारे वीडियो को देखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फोरकास्ट प्रिडिक्ट that there will be little rain in the month of July, in the month of July, अच्छा जी अभी क्या है कि जैसे हमने अपने हम करते आते हैं क्वेश्चन हम जब भी कहीं इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को ये सेटिस्फाई कराते हैं कि भाई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है भी कि नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए जैसा कि हमने ऊपर भी आपको कराया था कि हम ऑल्दो यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे तो हमारे पास एक रीज़न था कि हम ऑल्दो क्यों नहीं यूज़ करना है या ऑल्दो हमारा क्यों गलत है यहाँ पर अभी आगे आते हैं यहाँ पर यहाँ पर बात यह है कि फॉरकास्ट कुछ बता रहा है फॉरकास्ट प्रोडिक्शन कर रहा है कि जुलाई के महीने में बहुत कम बारिश होगी बता चुका हूँ आप सभी को लिटिल आ लिटिल और द लिटिल अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमारा हमारे पुराने वीडियोस देखिए उसमें मैंने आपको तीनों बताए हुए हैं डिफरेंस फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू का एग्जांपल लेके मैंने बताया था और सेम चीज़ लिटिल आ लिटिल द लिटिल के साथ है जब अनकाउंटेबल का केस होता है अब यहाँ पे एक, रेन तो काउंटेबल नहीं है प्लीज़ ये मत कहिएगा काउंटेबल है यार बुरा लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा तो अभी हमारी रेन काउंटेबल नहीं है तो लिटिल रेन से क्या दिक्कत है तकलीफ क्या है लिटिल रेन से अब फोरकास्ट की बात हो रही है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर के लिए विल भी यूज़ किया है तो कुछ तकलीफ़ होनी चाहिए किसी को इसमें मुझे मेरे हिसाब से तो अब आपको तकलीफ सिर्फ़ हो सकती है लिटिल रेन से और ऑप्शंस भी अगर हम देखें ना तो कुछ हमें ऐसे ही दिए हुए हैं अब भाई ये तो आपने देख के ही बता दिया कि मैनी रेन हो नहीं सकता अनकाउंटेबल की बात है और फ्यू भी नहीं हो सकता अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएँ ऑप्शंस के थ्रू जाएँ तो मैनी और फ्यू तो हो गई नहीं क्यों क्योंकि ये यूज़ होते हैं हमारे काउंटेबल नाउंस के लिए काउंटेबल के केस में हम यूज़ कर लेते हैं इनको यहाँ पर रेन तो अनकाउंटेबल है अब सिर्फ बचा सिर्फ बचता है हमारा आलिटिल आलिटिल बचता है हमारा आ लिटिल तो अच्छा लिटिल से क्या तकलीफ है कि तकलीफ कोई नहीं है अगर हम आ लिटिल को भी प्लेस अगर हम आ लिटिल को भी रख देंगे ना अपने सेंटेंस में तो भी सही हो जाएगा ये बट वहां पर क्या मस्त दिक्कत कर देगा मस्त दिक्कत कर देगा क्यों क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडिक्शन की और प्रोडिक्शन में मस्ट अगर हम लगा देंगे तो श्योरिटी हो जाएगी बट फिर भी एक बार को मान लेते हैं कि भाई साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा श्योर हैं जिसने भी प्रडिक्शन दी है ये तो बहुत ज़्यादा क्या वो श्योर है कि हाँ बरसात होगी ठीक ठाक बरसात हो जाएगी जुलाई में लेकिन विल बी लिटिल रेन ये भी तो अपने आप में सही है उसका ये मतलब है साइंटिस्ट शायद साइंटिस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो आपका जुलाई का महीना है उसमें बहुत कम बूंदा होगी तो भैया जब जो कोई चीज़ अपने आप में सही है तो ज़बरदस्ती उसमें एरर निकालोगे क्या जब ये सही है तो उसमें एरर क्यों निकालेंगे आप अगर हम इसको प्लेस कर देंगे तो भी एक बार को आप सेटिस्फाई कर ले जाओगे आप अपने रीज़न के साथ कि हाँ ये ये गलत ये, ये भी सही है हमारा ये ऑप्शन भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है बट अगर गिवन ऑप्शन ऑलरेडी सही है तो फिर क्यों उसको आप गलत करके उसमें एरर निकाल के उसको इम्प्रूव कर रहे हो सुपर फ्लुएंस की जरूरत नहीं है ना आगे बढ़ जाते हैं काफ़ी फनी क्वेश्चन ये आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल टू स्टडी इट्स सेल्फ और आई कुड हैव फॉलोइंग यानी कि ये सेंटेंस भाई साहब हमारे ये कहना चाह रहे हैं कि ये रही दीवाल ये रही दीवाल और ये भाई खड़े हैं तो हमारे भाई क्या कर रहे हैं कि हमारे भाई दीवार को पकड़े हुए हैं वो दीवार को पकड़ के खड़े हैं दीवाल को स्टडी करने के लिए यानी कि कहीं दीवाल ना गिर जाए और आगे ये भी लिख रहे हैं और आई कुड हैव फॉलोइंग यानी कि स्टडी इट्सल्फ यानी कि दीवार को स्टडी रखने के लिए यानी कि दीवार झूल रही होगी ऐसे आगे पीछे मूवमेंट टू एंड थ्रो में मोवमेंट हो रहा होगा दीवार का तो उन्होंने दीवार को स्टडी रखने के लिए उसको पकड़ा और आगे लिख रखा है सेंटेंस में अगर उन्होंने ऐसा और और से अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो गिर तो वो गिर गए होते भाई दीवार पकड़ रहे हो गिर खुद रहे हो चक्कर क्या है चक्कर यहाँ पर ये है कि जो प्रोनाउन है ना वो गलत है यहाँ पर इट सेल्फ की जगह माई सेल्फ कर लो सब सही हो जाएगा जितने भी कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे कैसे आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद को स्टडी करने के लिए यानी खुद को स्टेबल करने के लिए यानी कि दीवार नहीं झूल रही है मैं झूल रहा हूँ अगर इट सेल्फ हो जाएगा तो इट आपका यूज़ हो रहा है वॉल के लिए वॉल की जगह हम इट यूज़ कर रहे हैं तो तो गलत हो गया ना और हमें यहाँ पर प्रोनाउन चाहिए आई के लिए तो आई के लिए आप माई सेल्फ यूज़ करेंगे ना कि इट्स सेल्फ आई होप सभी को क्लियर है और अगर किसी के आई में तकलीफ़ है वो अपने लिए इट यूज़ करता है तो मैं नहीं कह सकता सबको पता होगा कि इट हम किस केस में यूज़ करते हैं आगे बढ़ जाते हैं ई डी हम से बोला गया मार्क वंस मार्क यानी कि अपना निशान छोड़ देना या ये कहना कि अपनी जगह सुनिश्चित कर लेना या अपने आप अप, अपना कुछ ख़ास ऐसा प्रदर्शित करना जैसे कि अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है और उसमें ऋषभ पंत ने अपना मार्क कहते हैं मेक वंस मार्क ऋषभ पंत ने अपना मार्क बनाया काफी अच्छी परफॉर्मेंस हुई उनकी टेस्ट मैचेस में तो उन्हें ख्याति मिली उन्हें जान उन्हें पहचान मिली यानी कि अपनी पहचान बनाना ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर फोर अटेंड रिकोग्निशन आगे बढ़ जाएंगे आप समुस अब आप आ, आ गए आपको बताना है समचुअस का सिनोनिम तो भैया समचुअस का सिनोनिम समचूस की मीनिंग हो गई लेविश या कह लीजिए आप वेरी एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव ये हो गया आपका समझोस और ऑप्युलेंट का मीनिंग हो गया एक्सट्रीम रिच तो यही हो गया आपका आंसर बिरेफ्ट स्टिजी बदबूदार ये सब तो कोई आंसर नहीं होंगे ना ऑप्यूलेंट होगा आपका आंसर आगे बढ़ जाएंगे आप मस्टर मस्टर का वैसे तो मीनिंग हो जाता है गैदर करेज गैदर करेज गैदर करेज, करेज। यानी साहस जुटाया है कुछ भी जुटाना मतलब जुटाने के सेंस में भी आप कह सकते हो मस्टर नाम से भी वो पढ़ने से भी क्लियर हो रहा होगा अब इसका एंटोनिम आपको बताना था तो एंटोनिम हो गया डिस्पर्स यानी कि फैल जाना आपके लिए हिंदी राइटिंग भी कर रहा हूँ भाई लोग लाइक लाइक कर दिया करो यार इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हो एक लैग दबा दो क्या चला जाएगा आपका प्लीज़ कर देना है ना तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें रॉन्गली स्पेल वर्ड वर्ड स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है अब इसमें मैं क्या बता दूँ ऑप्शन में तो दिया ही हुआ है इसमें कुछ गलत होता तो मैं बताता आपको अब हमें एंटोनिम बताना है रिवाइव का रिवाइव का एंटोनिम रिवाइव का एंटोनिम हो गया ब्रिंग रिवाइव की मीनिंग होगी ब्रिंग बैक टू लाइफ ब्रिंग बैक टू लाइफ ठीक है arouse renew ये तो सेम हो गए सॉरी हाँ अराउज और renew तो आपके सेम ही हो गए सेम हो गए और कौनसोल console मतलब condolence सांतवना इस मीनिंग में आ गया कुल मिला के रिवाइव का मीनिंग नहीं है एंटोनी बताना है हमें सॉरी एंटोनी में तो रोविन आ गया ख़त्म करना खत्म करना ये हो गया आपका आंसर अब आप आगे बढ़ गए आपको यहाँ पर आपको दिया गया है आपको फिरिंदा ब्लैंक्स आपको भरना है कुछ यहाँ पर शुद्ध दिल्ली में बोलें तो, तो ये है हमारा ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट्स ठीक है तो अच्छा अभी हम क्या पकड़ेंगे हमने फिर से हम पकड़ेंगे वर्ड वर्ड पकड़ा हमने सक्सेस सक्सेस के लिए हमको चाहिए हम साफ समझ पा रहे हैं कि देखिए हमें ऑप्शन में सारे डिटर्मिनर डिट्र, दिए हुए हैं हमें सक्सेस के लिए चाहिए डर्मिनर अब सब लोग बता दोगे कि भैया सक्सेस क्या अकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल है बताइए क्या है चलिए आप मत बताइए आप बता भी कैसे पाएंगे मैं ही बता देता हूँ कि सक्सेस आपका हो गया अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया अब जैसे ही सक्सेस आपका अनकाउंटेबल हुआ तो मैनी और लेस सीधा यहीं से गलत हो गया आपका बचे आपके दो ऑप्शंस फ्यू एंड मच अब अगर आप फ्यू कर दोगे तो सेंटेंस ये फ्यू ऑफ फ्यू ऑफ और सक्सेस डिपेंड्स ऑन और एफर्ट्स यानी कि आपके एफर्ट पे ना डिपेंड होके सक्सेस आपकी बाकी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है और फ्यू से मतलब हो गया ऑलमोस्ट नथिंग मतलब कि आपकी मेहनत पर कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है पता नहीं किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है फिर भगवान मालिक है उसका ये मतलब हो गया तो वो सेंस गलत हो जाएगा ना सेंस होगा मच यानी कि जो ज़्यादातर पार्ट है आपकी सक्सेस का वो आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है अगर आप फ्यू में चले जाओगे ना तो फ्यू में अगर ये सक्सेस है ये सक्सेस पता नहीं मैं कब अच्छी फिगर्स बनाना सीखूँगा पर चलिए सो उम्मीद पर दुनिया कायम है हाँ तो ये है हमारी सक्सेस अगर आप फ्यू आ गए ना तो ये बस इतना सा जो पार्ट है है ना ये इतना पार्ट ये हम पे डिपेंड कर रहा है ये बाकी अदर फैक्टर्स हो गए तो ऐसा तो नहीं आप कहना चाह रहे होगे ना इसीलिए फ्यू नहीं आएगा आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन शी हैज बीन वर्किंग टायर टायरलेसली सिंस आर्स सॉरी हाँ सिंस आर्स अभी इसमें क्या है कि सेंटेंस की अगर आप हिंदी देखें तो वो काफ़ी टाइम से काफ़ी घंटों से बिना रुके या बिना थके काम कर रही है इसीलिए मैं ट्रांसलेशन यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अब देखिए अभी आपको तो सेंटेंस सही होना चाहिए लेकिन अब छोटी सी चीज़ पकड़िए कि सिंसार्सार्स सिंस और सिंस आप कब यूज करते हैं सिंस आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नाइनटीन फिफ्टी फोर है ना आज जैसे कि हम बोलते हैं एट फैब प्रपोज डे सभी को पता ही होगा ये ये हम बता रहे ये हम बना रहे पॉइंट ऑफ टाइम है ना पॉइंट ये बना लिया हमने पॉइंट ऑफ टाइम एट एम जब हमारी ड्यूरेशन अननोन है यानी कि आर्स अब कितने घंटे से वो काम कर रहा है हमें तो कुछ पता नहीं है ना विच आर्स तो फिर यहाँ पर आपका सिंस की जगह यूज करेंगे आप फॉर हो बेसिक सी चीज़ें सभी को क्लियर होगी नेक्स्ट सेकेंड हैंड फर्नीचर डैश हेयर एट रीज़नेबल प्राइसिस अच्छा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि आपका ये फर्नीचर सीनरी और पोएट्री और लगेज एट्सेट्रा ये ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं ना जो हमको तो लगते हैं कि ये प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है वो सिंगुलर की जाती है और इनको कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं फर्नीचर्स नहीं होता है सीनरीज नहीं होता है पोइट्रीज़ नहीं होता है और लगेजेस भी नहीं होता है ये होते प्लूरल हैं बस बट इनको काउंट एज ए सिंगुलर किया जाता है अब हम ज़रा अपने ऑप्शन पर नजर मारते हैं अब फर्नीचर में दिया गिविन है सेंटेंस में तो अब हम ये समझ गए कि भाई फर्नीचर गिवेन है तो यहाँ पे हम आगे कोई भी हम वर्ब यूज़ करेंगे ना और यहाँ पे देखिए सारा खेल वर्ब का ही है तो वर्ब सिंगुलर आएगी उसके साथ में अब आपने देखा कि यहां पर हुआ है वर वर देखते ही आपने कह दिया कि भाई ये आंसर तो नहीं है फिर आपने क्या देखा फिर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू देखा इसमें भी आर गिवेन है तो ये भी आपका आंसर नहीं है अब दो ऑप्शन हो सकते हैं हैज सोल्ड इज सोल्ड तो फर्नीचर के साथ आप हैज तो यूज करोगे नहीं फर्नीचर के साथ तो इज ही आएगा यही हो जाएगा आपका आंसर आगे बढ़ जाते हैं आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिस फॉर्च्यून पुराने वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी वर्ब्स हैं हेयर लुक इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं जो एक हमारी स्टेट बताती हैं है ना इन्हें बोलते हैं स्टेट वर्ब्स इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है लव बताया था मैंने जैसे ये वर्ब्स है ना लव एज ए वर्ब बताया था अब ये ध्यान रखिएगा लव और भी अलग अलग यूजेस होते हैं लव एज़ ए नाउन भी यूज़ होता है तो लव जब एज ए वर्ब यूज़ होगा तो उसमें आईएनजी यूज़ नहीं होता है आई गलत हो जाता है उसके साथ यूज़ करना अब हेयर के साथ यहाँ पर आईएनजी यूज़ है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया अब ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या सॉरी हाँ हमें तो यहाँ पे एरर बताना है शायद हाँ एरर बताना है तो यहाँ पे बी हेयरिंग में एरर हो गया सही हो गया अब आगे बढ़ गए Every year the family goes for a पिलग्रम to the temple at Tirupati. अब वो तीर्थ के लिए जाते हैं इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ट्रांसलेशन यहीं पे गलत हो जाता है हिंदी में आप अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करने लग जाओगे तो, तो बिल्कुल सही है क्या क्या दिक्कत है भाई इसमें बट दिक्कत ये है कि फ़ॉर आप यूज़ करते हो रीज़न के लिए प्राइमरी चीज़ की प्राइमरी जो है वो आपका रीज़न होता है रीजन सॉरी प्राइमरी यूज फॉर का रीज़न के लिए होता है अभी यहाँ पर क्या है पिलग्रमेज की बात हो रही है तीर्थ तीर्थ पे गए ये रीज़न नहीं है पर जैसा कि हम बोल रहे थे कि ऐसा होता है चलिए मैं आपको एग्जांपल देके ये भी समझा देता हूँ एक आई वेंट टू मुंबई मुंबई फॉर मीटिंग फॉर मीटिंग है ना तो जो हमारा फॉर आ गया अब इससे ये हो गया कि फॉर अब अब आप समझ पा रहे हैं। मैं मुंबई गया किस लिए मीटिंग के लिए मीटिंग के लिए तो ये पर्पज है मीटिंग करना पिलग्रिम को हम प्रवज़ में काउंट नहीं करेंगे और चाहो तो आप रट सकते हो ये चीज़ कि पिलग्रिम के साथ ऑन ही आता है ऑन ही आता है पिलग्रिम के साथ कि कुछ जैसे प्रपोजिशन हमारी फिक्स होती है ना कि प्रेफर डेन नहीं होता है प्रेफर टू होता है जैसे कि हमने कल बात की थी हमने जो बात की थी वो ये थी कि हमारा एक क्वेश्चन आया था तो हमने बात की थी कि जो फॉन्ड होता है और फॉन्डनेस होता है इन दोनों पे हमने बात की थी फॉन्डनेस तो फोंड ऑफ होता है और फॉन्डनेस फॉर होता है फॉन्ड ऑफ फॉन्डनेस फॉर ये डिफरेंस होता है और यही हम यूज़ करते हैं तो ये फिक्स होता है इसको अगर हम समझने जाएंगे तो डिटेल में मैं आपको समझाते समझते खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा और आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको ऐसे ही समझ लो कि कुछ ये चीज़ें हैं जो हमेशा हमेशा हमारी फ़िक्स चलती हैं अभी आगे आ जाते हैं हमको एडियम बताना था पॉकेट एंड इंसल्ट टू बी एन इंसल्ट यानी कि अपनी बेजती बर्दाश्त करना पॉकेट एंड इंसल्ट जैसा कि आप समझ सकते हो कि इंसल्ट को जेब में रख लिया तो वही चीज़ है आगे आ गए अगेन सब्सिट्यूशन सॉरी सब्सिट्यूशन कह रहा हूँ आपका कॉम्प्रहेंशन आ गया आपको यहाँ आप पे क्लोस्टेस्ट बोलते हैं जिसको कि तो आपको यहाँ पर फिल करने अब ये माते हैं बढ़ते हैं ठीक है नेसेसिटी दे से इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन ऐसा कहा जाता है कि नेसेसिटी जो है वो अविष्कार की आवश्यकता ही आविष्कार अविष्कार की जननी है काफ़ी फेमस और घिसा पिटा डायलॉग डॉक्टर बुरजोर पी बनाजी होंगे कोई ये जी पायोनियर ऑफ लेसिक सर्जरी इन इंडिया हैज़ डैश ओवर अ डजन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा यानी कि ये पायोनियर है आप एक चीज़ समझिए पायोनियर किसके लासिक सर्जरी के पायोनियर की आपको चलिए मैं बता देता हूँ मीनिंग क्या होती है पायोनियर पता होनी चाहिए आपको पायोनियर की मीनिंग होती है लीडर या कि किसी क्षेत्र में सबसे आगे ये होता है पायोनियर का मीनिंग है ना तो अब हम ऑप्शन पे जाते हैं फाउंडेड ओवर अ डजन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब फाउंडेशन ना किसी बिल्डिंग की होती है किसी इंस्टीट्यूट की होती है ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें आप फाउंडेशन उसको बोलते हो फाउंडेशन वहाँ यूज़ होता है फ़ाउंडेशन वहाँ यूज़ होते हो कोई भी आपके जैसे कि आपके इन्वेंशन जैसे कि आपसे होते हैं ना देखिए इन्वेंटेड दिया भी हुआ है मैंने देखा नहीं था सच में इसको तो जैसे कि आपके जैसे कि टेलीफोन टेलीफोन होता है इसको क्या बोलते हैं कि इन्वेंटर इन्वेंशन आविष्कार करना ये आविष्कार होता है ना कि स्थापना तो फाउंडेड नहीं होगा डिस्कवर भी नहीं होगा डिस्कवर हम किसके लिए करते हैं कि अणु की खोज की परमाणु की खोज की कि वायरस की, की खोज की इन सब के लिए होता है आपका डिस्कवरी डिस्कवरी करना कोई फिनोमिना किसी फिनोमिना की डिस्कवरी होना लेकिन मशीन का हमेशा इन्वेंशन होता है मशीन का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन होता है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी के केस में भी हम इन्वेंशन ही यूज़ करेंगे आगे बढ़ जाएंगे हम वैन डैश सीनियर आई सर्जन एट मैक्स आई केयर स्टार्टेड लासिक अच्छा तो अब आपको पढ़ना है पे यहाँ पर डिटर्मिनल वैन देखिए यहाँ पर आई सर्जन है सिंगुलर है तो दोस्त तो होगा नहीं ब्लूरल में आता है दीज भी नहीं होगा दे भी नहीं होगा बचा क्या दा दा बचा आ भी हो सकता था अगर ए होता तो भी हो जाता सही क्योंकि हो सकता है किसी स्पेसिफिक सर, आई सर्जन की बात नहीं की जा रही सीनियर आई सर्जन की बात नहीं की जा रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं एट मैक्स आई केयर स्टार्टेड मैक्स हाँ मैक्स आई केयर स्टार्टेड लासिक देयर वर्ड डैश सर्जन डूइंग इट वर्ल्ड वाइड हाँ अब हमें क्या है यहाँ पे ऐसे चलिए पहले तो हम जैसे कि हम ऊपर करके आ रहे हैं काउंटेबल uncountable countable से थोड़ा सा हटा हटा लेते हैं हम अपनी विधाएं कम कर लेते हैं देखिए एनी आएगा नहीं ये तो हमें ही पता चल गया कि एनी नहीं आएगा लिटिल भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये तो काउंटेबल है ना सर्जन साहब के काउंटेबल है वैसे तो मोर भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि अगर मोर यहाँ पे आपको सेंस देना है कि भाई इन्वेंशन किया है इन्होंने इन्वेंशन किया है अब यहाँ पे क्या सेंटेंस कह रहा है देयर वर सर्जन्स डूइंग इट वर्ल्ड वाइड यानी कि यहाँ बात की किसकी की जा रही है डॉक्टर बुरजोर बाना जी क्या नाम है बड़ा बाड़ा ने में इनकी बात की जा रही है, है ना तो भाई बहुत कम लोग ये चीज़ कर रहे होंगे ना तभी तो उन्होंने उन्होंने इन्वेंशन किया अगर उन्होंने इन्वेंशन किया तो आपका आंसर फ्यू जाएगा ना कम लोग कर रहे होंगे ज़्यादा होता तो मोर कर रहे होते सर्जन्स डूइंग इट वर्ल्ड वाइड एंड नो इंस्ट्रूमेंट वर अवेलेबल इधर देखिए हिंदी समझेंगे लिमिटेड सीमित एग्जैक्ट करेक्ट सही इंस्ट्रूमेंट नहीं सही नहीं यानी स्पेसिफिक यानी कि सटीक उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक अब मैं हिंदी में आपको क्या एक्सप्लेन करूँ मुझे हिंदी मीनिंग नहीं आ रही है बट जैसे हम यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट वो चीज़ हो गई तो कोई अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट नहीं था करेक्ट इंस्ट्रूमेंट अगर स्पेसिफिक नहीं होता तो शायद एक बार करेक्ट हो जाता एग्जैक्ट हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं जैसे ये है ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी है तो ये एग्जैक्ट है ना और लिमिटेड तो सीमित की बात ही नहीं है नो लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट सीमित इंस्ट्रूमेंट नहीं नो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वर अवेलेबल इधर नेक्स्ट एज आई वॉन्ट थिंग्स अभी इनका कोई सेंटेंस है डैश आई डिजाइंड अ होल स्ल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेड माई सर्जरी मोर इफिशेंट से हाँ देखिये इंस्ट्रूमेंट आपका स्टेटमेंट इन्हीं का है सेज बाणाजी तो ये क्या कह रहे हैं एज आई वॉन्ट माई थिंग्स वॉट आई वॉन्ट माई थिंग्स प्यूनिटिव यानी कि दंडात्मक होनी चाहिए मेरी चीज़ें नहीं प्रॉलीफिक बहुफलदायक मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें वो ऐसा भी कुछ नहीं है और पॉपुलर popular, पॉपुलैरिटी और प्रॉफिट दोनों की कोई बात नहीं की जा रही है इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके गलत होंगे ये हो गया परफेक्ट यानी कि मुझे अपने हर चीज़ पसंद है मैं अपने हर चीज़ में प्रॉफिट नहीं ढूंढता हूँ अगर आप नंबर से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर से हम एक ऊपर क्वेश्चन जैसे करके आए थे एडियम राइज़ टू द ओकेजन टू शो द अपॉर्चुनिटी एंड डील विद द सिचुएशन यानी कि जब आपको मौका मिले तब आप वहाँ पर अप, अपना हुनर दिखाना फिर से फॉर हमने एग्जांपल लिया था ऋषभ पंत का ऋषभ पंत जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो अभी लास्ट मंथ जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी बढ़िया बैटिंग की उन्होंने तो ऐसी परफॉर्मेंस को आप कह सकते हैं राइज़ टू द ओकेजन जब टीम को जरूरत थी जब टीम को ज़रूरत थी तब उन्होंने आके अपनी पारी खेली तब उन्होंने टीम को सपोर्ट किया बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हमको यहाँ बताना है एंटोनिम किसका मीनेस का मीनेस तो जो मीनेस का मीनिंग होता है वो आपका होता है थ्रेट थ्रेट यानि कि खतरा या चेतावनी देना या किसी को थ्रेट करना तो वो हो गया आपका मीनेस आपका एंटोनि सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा वो है कंफर्ट है ना यहाँ तो देखिए तो आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका पैरल भी सेम हो गया बैलेंस हो गया संतुलन संतुलन जो कि आपका एंटोनिम होगा नहीं एंटोनिम सिनोनिम बताना है गॉडी गॉडी मतलब भड़कीला पॉम्पोस पॉम्पोस फ्लैशी जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है ये हो जाएगा आंसर सिंपल और प्लेन ये हो गए दोनों सिनोनिम तो ये आंसर हो नहीं सकते है ना क्योंकि सिंपल पॉम्पोस मतलब क्या दिखावटी दिखावट भरा सिंपल सीधा साधा सिंपल प्लेन सीधा सीधा साधा तो ये देखोगे नहीं और प्रॉपर मतलब निश्चित वो भी नहीं होगा आपका आंसर क्या होगा फ्लैशी डैश ऑफ लिविंग ऑन हिज ओन टर्म्स ही मेड फ्यू कॉम्प्रोमाइज ही मेड फ्यू कॉम्प्रोमाइज अच्छा अब आइए इसको हम ऑप्शन के बेस पे करते हैं पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि डिज़ायर डिजायर्ड और डिज़ायरिंग ये तीनों वर्ब हैं अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई हैं वर्ब है और अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई है अब अच्छा आप एक चीज देखो तो ये जो लिविंग है ना लिविंग ये लिविंग भी एक वर्ब है लिविंग नाउन होता है और वर्ब होता है लेकिन सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है एक लिविंग का मतलब होता है जीवन यापन और एक लिविंग का मतलब होता है ज़िंदगी जीना एक लिविंग एक लिविंग का मतलब होता है जीविका यानी कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग यानी कि आप रोज़ी रोटी अपनी कैसे चलाते हो ये हो गई उसकी मीनिंग और एक मतलब होता है जिंदगी जीना उस वजह से है अब आप एक चीज ये देखो ना कि आपके लिए जिरंड के फॉर्म में यूज कर अगर हम इसको जिरंड मान लें ठीक है तो भाई यहाँ पे ये प्रपोजिशन क्या कर रही है ये वर्ब के डायरेक्ट आता ना वर्ब के डायरेक्ट बाद आता अब आप सभी को ये पता होगा कि अगर हमें किसी मेन वर्ब के आगे एक और वर्ब लिखनी है तो या तो हम उसको इन्फिनेटिव बना लेते हैं टू जोड़ देते हैं जब टू प्लस वर्ब कर देते हैं या फिर हम उसका बना लेते हैं जिरंट क्या बना लेते हैं जिरण बना लेते हैं अब यहां पर आप एक चीज देखो ना कि वर्ब यहां पर अगर होगी तो ये जिरण क्यों बनाएंगे हम उसके लिए तो ये तो मेन वर्ब के बाद लिखा जाता ना अगर मेन वर्ब के बाद लिखा जाता तो तो हम इसको जिरण मान लेते हैं। यहां पे तो उसके बीच में प्रपोजिशन आ गई तो हमें ये यहां से समझ में आ गया कि कोई भी वर्ब यूज नहीं करनी है मैं तो आंसर हो गया आपका डिजायरस जो कि होता है एडजेक्टिव और आप एक रूल भी याद करेंगे वो ये है कि डिजायरस के साथ ऑफ आता है बाकी इनकी किसी के साथ ऑफ भी नहीं आता है आप ये चीज याद कर लेंगे मैं ज़्यादा याद करने के लिए चीज़ें आपसे कहता नहीं हूँ लेकिन कुछ प्रपोजिशन से रिलेटेड ऐसी चीज़ें होती हैं इनको आप याद कर लें उसी में ज़्यादा फायदा है चलिए आगे बढ़ गए डिस्ट्रैक्ट इसका आपको एंटोनियम बताना है डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भंग करना ध्यान भंग ध्यान भंग भटकाना या भटकना एक ही चीज हो गई आंसर आपका हो गया क्लैरिफाई चीजें साफ सुथरी करना स्पष्ट करना ये हो जाएगा आपका आंसर चलिए आगे बढ़ गए द मेयर हर्ट इट्स हुफ्स वेन रनिंग टू द फॉरेस्ट आपको ये ऑप्शन दे रखा है और आप इसी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अब आते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्यों होगा सबसे पहला सबसे पहली चीज़ क्या होगा वो बात की बात है होगा भी कि नहीं होगा पहले देखते हैं यानी कि क्यों होगा इम्प्रूवमेंट द मेयर हर्ट इट्स हूफ्स यानी कि उसने अपने जो खुर होते हैं मतलब होता है खुर खुर उनको डैमेज कर लिया कब वैन रनिंग टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की तरफ जाते हुए उसने अपने खुरों को डैमेज कर लिया अब अगर प्लेन पे घोड़ा दौड़ेगा या घोड़ी दौड़ेगी तो कैसे डैमेज हो जाएगी आप ही मेरे को बताओ तो ये सेंस की सेंस की लगाने की बात है वहन तो नहीं आएगा वहन तो नहीं आएगा क्योंकि ये हिसाब से एक एडवर्ब क्लॉज बन रहा है टाइम के लिए खैर वो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं वह नहीं आएगा सेंस की वजह से क्योंकि वो फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए उसके पैरों में चोट नहीं लगी होगी जंगल में भागी होगी तो उसके पैरों में चोट लगी होगी क्योंकि जंगल के अंदर ही चोट लग सकती है मैदान में तो घोड़ों घोड़ों के घोर इतने मज़बूत होते हैं चोट नहीं लग सकती तो आपका आंसर नो सब्सिट्यूशन तो हुआ नहीं अब ऑप्शन चेक, चेक कर लेते हैं विद रनिंग अक्रॉस यानी कि भाई खुर है कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं आई कॉल्ड हिम विद माई सेल फोन या बाय माई सेल फोन तो तब किसी इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज करते हो ना विद यूज होता है अब खोर उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना खोर तो भाई अब खोर तो पैर है आपके हाथ पे इंस्ट्रूमेंट है ना सॉरी आपके हाथ पे इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है आपके हाथ पैर आपका अपना पार्ट है तो इसीलिए विद नहीं आएगा और रनिंग अक्रॉस वो आज, आर पार जाते में नहीं हुआ होगा जंगल के अंदर जाते में हुआ होगा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंस डाल रही हैं ये अक्रॉस ये इन टू यहाँ भी वैन ही वैन की वजह से हमने उसको गलत क्या किया यहाँ भी वैन यूज हो गया यूज़ हो गया वाइल क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन की भी बात हो रही है और वाइल का एक सेंस ड्यूरिंग में भी जाता है वाइल ड्यूरिंग यानी कि जब वो जंगल क्रॉस कर रही होगी है ना तब उसके पैर डैमेज हुए हैं या खुर मैं भी लग रहा हूं आज डैमेज ना हो जाऊं क्योंकि बार बार मैं गलत जगह मारकर अपना ले जाता हूं करना कुछ और होता है होना कुछ और हो जाता है खैर आते हैं सिनोनिम पे सिनोनिम अपने को बताना है किसका रेंज का तो रेंज का मीनिंग जान लेते हैं पहले रेंज का मीनिंग होता है फोर्सिबली पुल जबरदस्ती खींचना किसी चीज को रिजेक्ट तो एक हिसाब से ये हो गया भगा दिया दूरी बनाना डिटर का मतलब डिटर का मीनिंग हो गया दूरी बनाना और सप्लाई का मतलब सप्लाई मैं हिंदी नहीं बता पा रहा हूँ इसकी सॉरी आपको समझ लीजिएगा सप्लाई सप्लाई का मतलब हो गया सप्लाई अगर कुछ है ना इसके सुनाने में वो है रेस्ट रेस्ट का मतलब भी होता है पुलिंग पुल सेम मीनिंग होता है होप सभी समझ गए होंगे हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सिनोनिम किसका बताना है सिनोनिम आपको बताना है डेस्पाइस का डेस्पाइस का सिनोनिम बताना है और अभी मैं चाहूँगा सब लोग कमेंट में मुझे ये सिनोनिम बताएं मैं अब इस पर सिनोनिम पर टाइम वेस्ट और नहीं करना चाह रहा हूँ आगे बढ़ गए हम हमें अब ईडीएम दिया गया है किथ एंड किन किथ एंड किन यानी कि सगे संबंधी जैसा कि दिया हुआ है फैमिली रिलेशन्स यही आपका आंसर है अब हम बढ़ गए आगे ये देखिए अच्छा क्वेश्चन एग्स आर सोल्ड द डजन डजन की बात हो रही यानी कि बात हो रही क्वांटिटी की क्वांटिटी की अच्छा सीपीओ में ये चीज़ें हैं कि फिक्स पोजिशन वाली चीज़ें पूछे ऐसे डजन है ना डजन के केस में बाई यूज होता है अगर आप बात करोगे जैसे किलो की अगर हम बात करें किलो तो इन किलोस सपोज दैट काजू कतली सोल्ड इन किलोज़ या बाई किलोज़ भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें भी आप चल आपका चल जाएगा और अगर पैसे की बात हो दिस पेन आई आई बॉट दिस पेन सपोज दैट आई बॉट दिस पेन वहाँ फोर यूज़ करोगे फोर रुपीज़ टेन जब प्राइस की बात हो कीमत की बात हो तो फॉर होगा क्वांटिटी की बात हो तो बाई इन यूज कर लोगे आप बाई वैसे आप प्रेफर करो क्योंकि और एक चीज यहाँ भी याद कर लो कि डजन के साथ में बाई चलता है अगला भी अच्छा क्वेश्चन अलार्ज स्वाम ऑफ डॉग्स ब्लॉकिंग द वे अब यहाँ पे डॉग्स कुत्तों की झुंड के बारे में बात की जा रही होगी लेकिन स्म किसका होता है साम कलेक्टिव नाउन होता है स्वाम होता है यूज बीज के लिए बीज के लिए स्वार्म जो यूज करते हैं वो होता है बीज के लिए इसलिए ये हो गया गलत इसीलिए यहाँ पे नो सब्सिचुएशन होगा नहीं ऑप्शन में आते हैं हर्ड।, हर्ड हर्ड होता है एनिमल्स का एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं सब करेक्टिव नाउन से सारे के सारे एनिमल्स जो आपका स्कूल होता है वो फिश के लिए यूज़ होता है यानी कि मछलियों के समूह को स्कूल भी कह देते हैं और जो कुत्तों के लिए जो होता है वो होता है पैक पैक ऑफ डॉग्स होता है वोल्फ भी होता है वोल्फ के लिए भी पैक पैक यूज़ किया जाता है आगे बढ़ते हैं हार्श एंड डिस्कॉर्डेंट साउंड अजीबोगरीब आवाज़ कैकोफोनी यानी जो कान को चुभे करकश हारमोनी सिम्फोनी सेम मीनिंग आगे बढ़ जाओ आप हैव ईदर ऑफ यू बीन टू द प्लैनिटेरियम बिफोर अभी देखिए ये पार्ट में हमको सबसे करना है आइए जरा देखते हैं इसको सही से वो ऐसा कि हैव दिया है हैव इधर हैव और इधर दो चीज़ें दी है अब जो इधर के साथ में आप यूज करते हो ना वो हमेशा इधर के साथ में सिंगुलर चलता है सिंगुलर यानी कि इधर दिस और दिस या तो ये या ये एक बार में एक ही होगा उसमें अगर हम दोनों की बात करते हैं तो पे हम बोथ यूज करते हैं बोथ बोथ यूज कर देते शायद ये सही हो जाता है बोथ द प्लैटेरियम बिफोर लेकिन यहाँ पे बात हो रही इधर यानी कि दोनों में से कोई भी एक तो इधर के साथ में इसीलिए हम हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं अब हम ऑप्शन पे आते हैं देखिए आ गया हैव फिर से हैव एवरीवन अच्छा अभी क्या है ना कि क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है ठीक यहाँ पे आगे दिया गया है यू हैव एवरी वन ऑफ यू हो नहीं सकता तुम में से सब नहीं हो सकता हैज़ बोथ ये देखिए अब हम क्या बात कर रहे थे मैंने कहा अगर यहाँ बोथ होता अब उन्होंने बोथ तो कर दिया लेकिन बोथ के साथ फिर सिंगुलर कर दिया ये गलत हो तो गया इसीलिए आपका सिर्फ ये एक सही जाएगा ये वो है ये हैज़ either, हैज़ इधर अब आ गया आपका सिनोनिम फास्टन फास्टन का हो जाएगा टाइटन बोलते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट तो फास्टन का हो गया टाइटन यानी टाइट करना एफिक्स एफिक्स करना जोड़ना ये हो गया आपका आंसर तो हमें एंटोनिम बताना है डिप्रेशन का डिप्रेडेशन डिप्रेडेशन का मतलब हो गया डिजास्टर तबाही सॉरी डिजास्टर हो गया तबाही पीलिएज और प्लंडर, ये दोनों एक ही चीज़ है यानी कि युद्ध के समय लूटना युद्ध के समय लूटना और डिवास्टेशन का मतलब भी होना है डैना दे, या डिमोलिश जो कि तीनों का आपका सेम मीनिंग हो गया तो एंटोनिम आपका बचा एक कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ को बनाना किसी चीज़ को बनाना चलिए सस्ता पेन पहले भी हम दोनों हो चुके हैं लेकिन डॉक्टर साहब महंगा दिलाते ही नहीं क्या कर लें अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ यानी कि वो टाइम जब दिन और रात दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं तो उसको आप बोलते हैं इक्वी नौक्स, एक्वी एक्विनॉक्स ये सभी आपको हमारे पी से मिल जाएंगे ऐसे मैं बोलता हूं टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें वहां से आप पी डाउनलोड कीजिए आपको सारे के सारे वन वर्ड और एंटोनिम्सोनी भी हमारे पी में मिलेंगे वहां से आप चीज़ों को रीड कीजिए उनको याद कीजिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा अगला क्वेश्चन हमारा अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ अकरेंस यानी कि जिस हिसाब से उनकी डेट ऑफ जब जब जिस हिसाब से वो इवेंट्स हुए हैं उनको डेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना वो आपका होता है क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप कुछ याद आया आई होप सभी लोगों को याद आ ही गया होगा शायद इसीलिए एस ने भी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की है आगे बढ़ते हैं अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इन स्पेस एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉट सभी को पता है पायलट जहाज उड़ाता है साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता है फिजिसिस्ट जो फिजिक्स के बारे में पढ़ाई लिखाई करे जैसे नॉलेज ऑफ फिजिक्स की नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एडियम का मीनिंग बताना है स्ट्राइक वेन द आयरन इज हॉट लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी अब आपको मिस वर्ड बताना है तो वो है आपका टायरेनी टायरेनी की मैं आपको सही स्पेलिंग बता देता हूँ टायरेनी की सही स्पेलिंग है टी वाई आर ए एन एन वाई ना कि ये जो एस ने दे रखी है इसीलिए दे रखी है कि आप सही स्पेलिंग आपको पता है आप आंसर टिक करके आइए आप अब आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था तो कॉमोशन आंसर में दिया ही है मुझे इसको सही करके मैं क्या बताऊँ जो पहले से सही उसमें दिया हुआ है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ प्लेस इन एन इंस्टीट्यूशन इसका आंसर हो गया डॉर डॉर्मिटोरी डॉमेटोरी यानी कि जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्लेस होती है इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है उनकी खुद की नहीं होती है अपार्टमेंट में क्या अपार्टमेंट अपार्टमेंट में आपके लोग तो रहते हैं बट वो अलग अलग रहते हैं वो किसी एक इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन का नहीं होता है वहाँ पर अलग अलग फील्ड से बिलोंग करने वाले लो, लोग रह सकते हैं बट बट जो आपका डॉर्मेटोरी होते हैं डॉर्मेटोरी वो आपकी किसी एक इंस्टीट्यूशन की होती है उसका कोई भी एक मालिक होता है उसके वर्कर्स वहाँ पे रह सकते हैं या उनकी फैमिलीज़ भी रह सकती हैं कोई भी रह सकता है बट वो एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन की होती है और अपार्टमेंट में कोई भी लोग स्पेशल इंस्टीट्यूशन से उसका कोई मतलब नहीं होता है और ऑडिटोरियम तो सबको पता ही होगा और चैम्बर भी पता होगा गैस चैम्बर चैम्बर नॉन लिविंग थिंग्स के होते हैं गैस चैम्बर हार्ट में भी चैम्बर होते हैं आप ये मत कह रहे ना हार्ड लिविंग थिंग है है बट चैम्बर चैम्बर पीपल की केस में यूज़ नहीं किया था पीपल लोग वहाँ नहीं रहते चैम्बर्स में वो हिटलर साहब का काम था लोगों को चैम्बर में रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू डिज़र्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस शो तुम सक्सेस शो की क्रेडिट को डिज़र्व करते हो अब आपके ऑप्शंस क्या हैं ओनली इफ कंडीशन तो दी नहीं है सच दैट कंपेयर भी आप नहीं कर रहे हो तो सच दैट यूज नहीं कर पाओगे और नो no लेस है क्या आपको कहीं सेंटेंस में देन दिख रहा है आगे देन है क्या सॉरी देन है क्या नहीं है और ये वैसे तो नोलेस भी कंडीशन के लिए हो गया तो आपका आंसर जाएगा नन बट यानी कि कोई नहीं तुम्हारे तो सिवा कोई नहीं इस सक्सेस की क्रेडिट को डिजर्व करता है या और कोई नहीं सिर्फ तुम ही सक्सेस की क्रेडिट को डिजर्व करते हो ये हो जाएगा आपका इस, इसका हिंदी अगर आपको जानना था तो तो हम बढ़ते हैं आपको आपको एरर बतानी है वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग ध्यान दीजिए इस पे प्रपोजल्स और ध्यान दीजिए इस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वन ऑफ द ये सारे ये होंगे प्रपोजल्स ये 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 बहुत सारे जितने भी कितने भी हो सकते हैं ये प्रपोजल्स हैं इसमें से किसी एक की बात की जा रही है तो वो सिंगुलर हो गया ना सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ आप कहोगे हो गया सिंगुलर हो गया ये तो हो गया सिंगुलर अब यहां पे वर्ब है ये सीम सीम है आपकी वर्ब सीम है वर्ब अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भैया वर्ब आप यूज करोगे करोगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ऐसे एस कौन लगाएगा भाई सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग इसीलिए आपकी इस पार्ट में होगी एरर अब आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है वो है आपका बिसीज, सही स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ तो आपका बिसीज हो जाएगा बी ई एस आई ई जी ई होता है बिसीज यानी कि घेराबंदी करना आर्मी या पुलिस जिससे भी घेराबंदी आपको करनी है बिसीज हो गई घेराबंदी करना अब हम आ जाते हैं अपने पैसेज की तरफ अब पैसेज हम चलिए पहले चेक कर लेते हैं पुरानी तरह है कि हमें पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ग्रीक गॉड्स ओके नॉट ट्रू नेक्स्ट हमारा हाउ डिड यूज ब्रिंग बैक नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल सेक्रीफाइस ठीक है ट्वेल्व ओलम्पियन गॉड्स एंड गॉडस गॉडसेज ओके नो वो डिवर्ड हिज चिल्ड्रन एट द बर्थ बिकॉज तो ठीक है अभी हमें क्या ना कि पैसेज को अभी पढ़ना नहीं पड़ेगा पूरा वो कैसे कि अब हम रिलेटेड वर्ड्स ढूंढ के काम चलाएंगे देखिए कैसे आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉरी जो कि क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ग्रीक गॉड्स इज नॉट ट्रू यानी कि ग्रीक गॉड्स कहाँ पे दिया हुआ है अब हम जल्दी देख लेते हैं ग्रीक रिलीजियस रिलीजियस फेस्टिवल्स ग्रीक गॉड्स ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ग्रीक गॉड्स वर वर इमोर्टल बींग्स इमोर्टल बींग्स अब आपको यहाँ ये यह चलिए यह तो हमारा पहले ही मैच कर गया पहले ही मैच कर लिया देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्री, ग्रीक ग्रीक गॉड्स थे वो इमोर्टल थे और यहाँ पर जो आंसर में दिया है वो है कि ग्रीक गॉड्स वर मॉर्टल्स तो हमें बाकी तीनों मैच करने ही नहीं पड़े हमें सीधा यहीं से यहीं पता चल गया पैसेज हमें ऐसे जल्दी निपटाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अगर हमसे समरी पूछ ली गई होती पैसेज की तो हमको पढ़ना पड़ जाता पूरा आते हैं हाउ डिड यूज़ ब्रिंग बैक हिज सिबलिंग्स ओके okay, अब हम ज्यूज़ और सिबलिंग्स को पकड़ेंगे कहीं लिखा अगर हमें दिख जाएगा हाँ तो यहाँ आप देख लीजिए कि हमें ज्यूस यहाँ कहीं दिख रहा है जीज़ द यंगेस्ट सन ऑफ रेहा एंड कॉर्नोस वॉज हिडन फ्राम हिज फादर इंस्टेड ऑफ बींग सालोड वंस ही बिकेम अ मैन ही चैलेंज हिज फादर सुलॉर सिंग क्रॉनोस टू रीगर्गीट द रेस्ट ऑफ हिज सालोट चिल्ड्रन रीगर्गीट मीनस होता है कि जो चीज़ निकल गई है उसको वापस बुलाना यानी कि उल्टी करना वॉमिट बोल सकते हैं शायद हाँ ऑप्शन में देखिए वॉमिट दिया भी हुआ है वॉमिट वामिट बोल सकते हैं आप तो यही हो गया आंसर अब ऐसे क्या है ना हमको पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा हमने देखा कहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास टाइम कम है हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं क्योंकि हमें मैथ्स में टाइम देना है है ना और हम करते चले जा रहे हैं आगे देखिए एनिमल सेक्रीफाइजिज वर मेड टू मेड टू गॉड्स टू अच्छा अब हम पैसेज में कहीं भी एनिमल्स के बारे में देख लेंगे कि कहाँ एनिमल एनिमल्स की बात की जा रही है तो अब आप स्टार्टिंग में अगर देखिए तो यहाँ कहीं है मुझे एनिमल्स दिख रहा है वो ये है ये देखिए एनिमल सेक्रीफाइज यहाँ कहीं दिख रहा है अब हम इसके सेंटेंस को पढ़ लेते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेरेमोनीज वर हेल्ड थ्रू आउट द एयर एंड एनिमल and एंड वोटिव ऑफरिंग्स वर पॉपुलर वेज टू and एंड वर्शिप द गॉड्स यानी कि जो भगवान है उनको मनाने के लिए और उनकी पूजा के लिए एनिमल सेक्रीफाइज और ये सब काम जो भी दुनिया भर का दिया हुआ ये किया जाता था अब देख लेते हैं हमें ऑप्शन में कहाँ वर्कशिप दिया है नेचर मिस्ट्रीज नहीं चैलेंज करने के लिए नहीं फ्यूचर इवेंट्स जानने के लिए भी नहीं पेसीफाई एंड वर्शिप दें पूजा करने के लिए उनकी ये हो गया हमारा आंसर बढ़ जाएंगे अपने अगले पैसेज की तरफ द ट्वेल्व ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडिसज वर द चिल्ड्रन ऑफ अब अच्छा हम देखते हैं चिल्ड्रन की बात कहाँ की जा रही है ट्वेल्व जाइंट्स तो हमें यहाँ के पढ़ने में आ रहा है द हिस्ट्री ऑफ पेट बिलोंग्स बिलोंग्स विद प्रोरियल टाइटिसया मदर अर्थ एंड यूरेनस फादर स्काई हु हुर द पेरेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ट्वेल्व जाइंट्स यानी कि जो द ट्वेल्व ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडसेस ओके अभी यहाँ पे देखिए गैया मदर अर्थ और फादर यूरेनस अभी इनकी भगवान होने की बात नहीं की जा रही है है ना भगवान हमको आगे मिल रहे हैं वो ये देखिए कॉर्नोस क्रोनोस इवेंचुअली ओवर थ्रू यूरेनस एंड रूल ड्यूरिंग माइथोलॉजिकल गोल्डन एज ओवर टाइम रेहाना एंड ट्वेल्व चिल्ड्रन वुड बिकम द ओलंपियन गॉड्स ये ये रेहा हैड ट्वेल्व चिल्ड्रन हु वुड बिकम द ओलम्पियन गॉड्स द ट्वेल्व ओलम्पियन ओलम्पियन गॉड्स के बारे में बात हो रही गॉड्स एंड गॉड्स इज वर चिल्ड्रन वो किसकी चिल्ड्रन थे तो अब देखिए वो थे आपकी रेहा एक तो हमें यहाँ से पता चल गया दूसरा हमको बताना है क्या क्रोनोस क्रोनोस एंड रेहा ये देखिए हमको यहाँ से मिल गया बस हमें इतना पढ़ना पड़ा ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी आप प्रैक्टिस कीजिए नहीं तो अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं मैं बस टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ आगे बढ़ गए क्रोनोस डिवर्ड इज चिल्ड्रन एट बर्थ बिकॉज अब क्रोनोस हम देख लिया यहाँ की क्रोनोस की बात ही हो रही थी यहीं पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे हाउ एवर क्रोनो हैड अ प्रोफेसी दैट इज सन वुड हिम एज ही एज ही डिड टू यूरेनस इन एन एफर्ट टू एवर्ट फेट ही ऑर्डर्ड रेहा टू अलाउ हिम टू डि ईच ऑफ द चिल्ड्रन अपॉन देयर बर्थ अच्छा यानी कि उन्हें डर किस बात का था कि जैसे उन्होंने अपने पिताजी को भगाया गद्दी से वैसे ही उनका बेटा उन्हें भगा देगा और उन्होंने इसको इससे बचने के लिए अपने बेटे को अपने जितने भी बेटे हुए सबको बेटे बेटे को खाने के लिए बोला क्रोनोस डेवर्ड इज़ चिल्ड्रन एट बर्थ बिकॉज हिज सन वुड वॉज प्रडिक्टेड टू अवर्थ स्टोम यही आप मिल गया यहाँ पर और हमारा आज का सोल्यूशन वीडियो हो गया कम्प्लीट होप सभी को पसंद आ रहा होगा हमारी सोल्यूशन सीरीज हम सी की अभी चल, अभी हम सी पी में हैं फिर अभी हम सी एच एस एल आएंगे लाएंगे आप सभी के लिए सी एच एस एल और एयरफोर्स भी ला रहे हैं हम आप सभी की डिमांड पर एयरफोर्स और सी एच एस एल के सी एच एस एल के प्रीवियस प्रीवियस पी वाई क्यू आप सॉल्व कराए जाएंगे एयरफोर्स के लिए भी कंटेंट आने वाला है और जो हमारे मैथ्स के वीडियोस हैं सी के उसको देखने के लिए भी हमारे चैनल पर कंटेंट पड़ा हुआ है आप जाइए वहाँ पर देखिए हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को जो भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं या और भी कुछ है उनको शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा चलते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाय बाय